वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको एक अलग तरीके के सिल्क थ्रेड से ही बनने वाले आपको स्टड्स दिखाएंगे और सिखाएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी हैं, जो कि बहुत जल्दी बन जाते हैं। और आप डेली डे टू डे में आप जो आपको ऑफिस वेयर या आप घर पे स्मॉल पार्टी किसी भी उसमें ओकेशंस में आप मैचिंग घर पे बना सकते हैं और पहन सकते हैं। जिस भी कलर की आपकी ड्रेस हो, आप उससे मैचिंग वो बहुत जल्दी झटपट से बना सकते हैं। तो उसके लिए आइए देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। सबसे पहले हमें फैब्रिक ग्लू चाहिए, सिल्क थ्रेड जिस भी कलर का आपको बनाना है वो कलर का आप सिल्क थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, सीजर चाहिए, और ये आप देख रहे हैं प्लास्टिक के डोनट रोल्स, ये हैं। ये जहाँ पे आपको सिल्क थ्रेड का मटेरियल मिलता है वहाँ पर बहुत ईजीली मिल जाएगा। और ये बीट कैप्स है, यहाँ पर मैं मेटालिक शेड में यूज़ कर रही हूँ। आपको सिल्वर में बनाना है आप सिल्वर कलर का यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और यहाँ पर ये मेटल स्टड बेस जो हमारा होता है स्टड्स बनाने के लिए, वो हमें चाहिए। और कुंदन ये ऑप्शनल है, अगर आपको सजाने के लिए चाहिए तो आप यूज़ करिए, नहीं तो ऐसे भी चलता है, बट जो मैं बना रही हूँ उसमें मुझे कुंदन चाहिए। तो उसी कलर के मैं यूज़ कर रही हूँ जिस कलर का मेरा बेस रहेगा, तो मरून रेड है, तो वही मैं यूज़ करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग। यहाँ पर मैं पहले तो अपनी प्लास्टिक डोनट्स ले रही हूँ और कार्डबोर्ड ले रही हूँ। ये साइज़ वेरी हो सकता है, क्योंकि अगर ये बड़ा साइज़ है तो आपको कार्डबोर्ड बड़ा यूज़ होगा, तो ये स्मॉलेस्ट साइज़ है। तो इसमें मैं यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ले रही हूँ और इसे रैप हमें राउंड्स लेकर और बंच ऑफ थ्रेड्स हमें रेडी करना है, जैसे कि हम सिल्क थ्रेड के ज्वेलरी में बनाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इनफ हो गया है, तो हमें इन्हें एक साइड से हमें कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें दोनों सिरों पे इसमें फैब्रिक ग्लू लगाना है ताकि वो खुले नहीं। यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लेकर हमें टिप्स उनका क्लोज़ कर देना है दोनों सिरों से। एक आप फ्लैट कर दीजिए और एक आप पॉइंटेड टेल कर दीजिए, ताकि जब आप पिरोएंगे तो उसमें इजी रहे। तो देखिए, दूसरा मैंने इस तरीके से पॉइंटेड कर दिया है और एक फ्लैट। तो यहाँ पर अब हमें जो हमारा ये डोनट है, एक ये लेकर इसमें कुछ इस तरीके से ग्लू लगाना है पहले, और इसको ऐसे चिपका देना है। थोड़ा देर उसे सूखने दें, नहीं तो वो निकल जाएगा। तो दोनों में हम इसी तरीके से लगा देंगे ताकि वो ड्राई हो जाए। तो इस तरीके से हमने अपने दोनों कर दिए हैं और ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हमें करना क्या है, टाइटली उसे पकड़ना है, क्योंकि जितना आप टाइटली और अच्छे से पकड़ोगे उतना ही नीटली आपका ये डोनट जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसके अंदर डाल डाल कर पूरा जो हमारा ये डोनट है उसको रैप करना है इससे। ये पॉइंटेड हमने इसीलिए बनाया था ताकि वो उसके अंदर इजीली जा पाए। तो इस तरीके से हमें पूरा रैप करना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। टाइटली हमें छोड़ना नहीं है, ज़रा भी लूज़ हुआ तो थ्रेड लूज़ होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें उसे पूरा कवर करना है, जैसा कि आखिरी में हमें इसे पूरा कवर करके और जो एंड पार्ट रहता है उसे हमें फैब्रिक ग्लू से चिपका देना है। इसी को आप दो कलर्स में भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो, और एक रंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आखिरी जो रहता है उसको हम ऐसे ग्लू के साथ क्लोज़ कर देंगे। ये पार्ट हमारा, अगर आपको अनइवन लग रहा है तो आप इसको बैक पार्ट बना सकते हैं, फ्रंट पार्ट हमारा नीट एंड क्लीन होगा। तो इस तरीके से हमारा ये डोनट जो है आप देख रहे हैं रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर अपना बीट कैप लेंगे, बीट कैप के ऊपर हमें यहाँ पर ग्लू लगाना है, क्योंकि हमें ग्लू से बीट कैप को स्टिक करना है। इसके ऊपर जस्ट हमें सेंटर देखकर उसके ऊपर रखना है। तो ये हमने यहाँ से रख दिया है, और आप देखेंगे बीच में ये होल है, तो इसी को कवर करने के लिए हम यहाँ पर कुंदन यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं रेड कलर का ये जो कुंदन आप देख रहे हैं वो ले रही हूँ। अगेन उसको चिपकाने के लिए वही फैब्रिक ग्लू लिया है,
तो पहले आप इसे अच्छे से सूखने दीजिए, जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तब मैं आपको बताती हूँ आपको बैक साइड में स्टड बेस को कैसे अटैच करना है। तो ये हमारे हमने ड्राई ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो अब हमें करना क्या है, बैक साइड में जो है हमें ग्लू लगाना है, अच्छे से ग्लू लगाना है, और ये जो हमारा मेटल स्टड बेस है इसके ऊपर इसे रखना है। तो ये अच्छे से ग्लू के साथ और आपका थ्रेड के साथ स्टिक हो जाएगा, तो इसे अच्छे से हमें ड्राई होने देना है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। तो दोनों में हमें सेम ग्लू अच्छे से फिल कर दीजिए ताकि वो निकले नहीं, और इस तरीके से हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। सो देखिए, सूखने के बाद हमारे जो स्टड्स हैं वो इस तरीके से रेडी हैं, और ये देखिए बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, और आप एक दिन पहले भी या सेम डे पे भी आपको मैचिंग बनाना है तो आप बहुत इजीली घर पे बना सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा फर्दर वीडियोज़ के लिए, और बेल बटन दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी हम अपनी नई वीडियो डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। बाय।